सही गाइस व्हाट्स अप, आई होप सब बढ़िया मजे में। इसी के साथ दिस इज राजन, वेलकम बैक टू द चैनल आरसी फैम। और भाई आज के दिन की शुरुआत हमारी जैसे कि सुबह सुबह हुई थी 8 बजे। 8 बजे उठ के बढ़िया मस्त मजा आया। एक्चुअली आज मैं इसलिए जल्दी उठ गया था क्योंकि मुझे अपनी बाइक को देखना था सुबह सुबह उठ के। इतनी एक्साइटमेंट थी देखने की। और भाई मैं सुबह उठते ही सबसे पहले गया अपनी बाइक को देख के, और भाई मैं इतना खुश हो रहा था ना अपनी बाइक को देख देख के। मैंने कहा यार सच में इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। और देखो अभी हमने बाइक पैक करके रखी हुई है, कवर इसका अभी नहीं लिया है तो चादर से पैक करके रखी हुई है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ये पेंट चल रहा है। ये देखो सब ये पेंट का काम हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है ना, वो जो ये घिस रहे हैं ना इसको, तो इतनी ज़्यादा डस्ट हो रही है ना, तो मैं नहीं चाहता कि भाई मेरी नई बाइक गंदी हो जाए। तो इसीलिए ये देखो ये सब पेंट हो रहा है, सब सामान पड़ा हुआ है इधर ऐसे ही, तो इसीलिए बिल्कुल पैक करके रखा हुआ है। तो फिर आज हम लेके जा रहे हैं अपनी जावा 42, अपने बगीरा को, बिकॉज इसको भी बहुत दिन से नहीं चलाया अभी, तो आज इसको चलाते हैं बढ़िया। कहीं ये बुरा ना मान जाए कि भाई ऐसा ना हो कि नई बाइक आ गई तो मुझे भूल गए, तो इसीलिए। और अभी मैं जा रहा हूँ क्लास, तो बढ़िया मोटो व्लॉगिंग करते हैं, थोड़ी सी बातें शाते करते हैं। सो गाइस आप सबका स्वागत है हमारे मोटो व्लॉग में। और मोटो व्लॉग स्टार्ट करते ही रेड लाइट हो गई, ट्रैफिक्स। सो गाइस कल सच में भाई बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। मतलब कि डिलीवरी लेने के बाद जब मैं दिल्ली से घर तक बाइक लेके आया ना, मतलब इतना मज़ा आ रहा था चलाने में। और मेरे को ना हाथ में बिल्कुल भी मतलब दर्द नहीं हुआ यहाँ पर, बिकॉज मैं जावा भी ना उसी तरीके से चलाता हूँ। मेरा स्टांस ना मैं वैसे ही रखता हूँ ज़्यादातर, थोड़ा आगे की तरफ झुक के। और अपरेलिया में तो ऑब्वियसली उसका स्टांस ऐसे ही रखना पड़ता है क्योंकि वो स्पोर्ट्स बाइक है, तो भाई स्पोर्ट्स बाइक में तो ऐसे ही होता है। तो मुझे हाथ में और शोल्डर में इतना प्रेशर नहीं आया। बाकी मुझे पता भी है टेक्निक्स कैसे रखने होते हैं अपने पोस्चर को, जिससे कि आपके ज़्यादा प्रेशर ना आए। वैसे देखो आएगा तो है, अगर हम लॉन्ग राइड पर जाते हैं तो लंबा चलाएंगे तब तो ऑब्वियसली आएगा ही आएगा, लेकिन अराउंड 20 किलोमीटर्स का रास्ता था तो उसमें बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। लेकिन हाँ उसके बाद जब हम अल्फा की बाइक की डिलीवरी लेने गए तो वहाँ पे ना मैं अपना बैग लेके गया था, तो बैग टांग के गया ना उसमें लैपटॉप रहता है। तो भाई मेरे को यहाँ से अपने घर से अराउंड कितना 10 किलोमीटर्स होगा, तो भाई वहाँ तक जाने में बड़ा पेन हुआ शोल्डर्स में, क्योंकि बैग का जो वेट था ना वो बिल्कुल आ रहा था शोल्डर्स पे। अब इसका मतलब ये तो है कि अगर हम बैग टांग के बाइक चलाएंगे ना तो हालत ख़राब होनी है ऑब्वियसली। लेकिन क्या पता शायद धीरे धीरे आदत भी पड़ जाए तो इतना फ़र्क ना पड़े। लेकिन कुछ भी कहो भाई मज़ा तो बहुत आया था चलाने में, सीरियसली एक मोमेंट ऐसा फील हो रहा था ना भाई वाओ, मतलब ऐसा लग रहा था वाह यार, मतलब बहुत खुशी हो रही थी और अभी भी हो रही है। चलो ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहूँगा वरना मेरी नज़र मुझे ही लग जाएगी यार। तो टॉपिक चेंज करते हैं। तो भाई अभी ना गर्मी फिर से ऐसा लग रहा है वापस आ गई है, इतनी कड़क धूप हो रखी है भाई सुबह से लेके। गर्मियाँ जा क्यों नहीं रही है समझ नहीं आ रहा। और आंटी को देखो कोई मतलब नहीं है, पागल है क्या यार, आंटी चल ही नहीं रही है। और हमारा बगीरा भाई इतना गंदा हो रखा था आज, पूरा धूल मिट्टी में हो रखा था, वो मैंने बताया ना पेंट की वजह से। अभी इसको थोड़ा साफ़ किया है, पूरी तरीके से तो नहीं कर पाए हैं, के बढ़िया वॉशिंग कराएंगे। मैं सोच रहा हूँ इस पर भी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर ही देते हैं, बिकॉज ये भी थोड़े पुरानी लगने लग गई है बाइक, तो इसको थोड़ा सा चेंज किया जाए। और भाई मेरे पास जो एवेंजर है उसका मैं बता देता हूँ, वो हम सेल कर रहे हैं। अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर देना, मैं कॉन्टैक्ट कर लूँगा, बिकॉज अभी वो 7 मंथ्स पुरानी बाइक है सिर्फ, और हम बहुत अच्छे प्राइस में सेल कर रहे हैं। अगर आप ऑन रोड लेने जाओ तो अभी आपको अराउंड वो 1,55,000 करीब की पड़ती है नोएडा में, और हम बहुत ही अच्छे प्राइस पे सेल कर रहे हैं। जो भी इंटरेस्टेड होगा ना वो कांटेक्ट कर लेना, हम बता देंगे। ये क्या हुआ, इसकी डिक्की क्यों खुली हुई है, ठुक गई है क्या, तो बांधी हुई है। और कल सोच रहा हूँ प्रेडियम में भी जाके PPF करा ली जाए, बिकॉज PPF कराना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भाई। मेरा हमेशा का रहता है भाई बाइक लेते ही दूसरे तीसरे दिन PPF, बिकॉज मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी स्क्रैच वगैरह लगे। तो देखते हैं कल जाएंगे जहाँ तक PPF करा लेंगे जाके, थोड़ा सा काम चल रहा है ना इस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा, नहीं तो अब तक तो मैं सब करा देता। अगर आप लोग सजेस्ट करना हम अपनी प्रेलिया का नाम क्या रखें, मैंने एक्चुअली एक सोचा हुआ है नाम, वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आप लोग भी सजेस्ट कर देना, बिकॉज मैंने जो नाम सोचा है ना वो बिल्कुल रिलेट कर रहा है इससे। बिकॉज जब मैं लेने जा रहा था ये बाइक और फिर मैं नहीं ले पाया था, फिर मैंने सोच लिया था भाई कुछ भी करके मुझे ये बाइक तो लेनी ही लेनी है, प्रेलिया RS 457 लेनी ही लेनी है। और हाँ एक चीज़ और मुझे बतानी थी भाई, कल रात को जैसे कि मैं आप लोगों को वीडियो में बता रहा था, जब पापा थे वीडियो में सामने, तो मैं बता रहा था कि ये बाइक मुझे पापा ने गिफ्ट की है और उसकी EMI भी पापा भरेंगे। सो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मैं मजाक कर रहा था उस टाइम पर। अगर किसी को ये लग रहा हो ना कि भाई मेरे पापा ने मुझे दिलाई है, तो ऐसा नहीं है। EMI उसकी सारी मैं ही पे करूँगा, डाउन पेमेंट भी मैंने ही की है, सारे पैसे जो यूज़
यूज़ किए हैं, मैंने अपने ही यूज़ किए हैं। और स्पेशली ये बात मैं बोल रहा हूँ अपने रिश्तेदारों के लिए, अगर कोई देख रहा हो तो और किसी को ऐसा लग रहा हो तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये बाइक क्या मतलब कि मैंने अभी तक जितनी भी चीज़ें ली है ना, अभी मतलब जब से मैं अच्छा अर्न करने लगा हूँ तब से मैं अपने घर से बिल्कुल भी किसी चीज़ के लिए पैसे नहीं लेता। हाँ ऐसी बात नहीं है, वो मेरे को दे देते हैं जब मुझे कुछ ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी चीज़ के लिए, बट जितना भी सामान मैंने लिया है सब, चाहे वो गैजेट्स हो गए चाहे वो बाइक हो गई कुछ भी हो गया, सब मैंने अपनी मेहनत से लिया है, सब मैंने अपने पैसे से लिया है सच में। और ये बोलते हुए मेरे को बहुत प्राउड फील होता है और मेरे मम्मी पापा को भी बहुत प्राउड फील होता है कि भाई मतलब आज मैं इस लायक हो गया हूँ कि भाई मैं अपने लिए सब कुछ खुद से कर रहा हूँ, अपनी मेहनत से कर रहा हूँ। मुझे तो ऑब्वियसली अच्छा लगता ही है अपनी मेहनत से करना। और मेरे साथ ना शुरू से ऐसा, अभी से नहीं है, मैं काफ़ी टाइम से मतलब कि मेरे ख्याल से मान लो 12th के बाद से ही मैंने ना अपना जो पैशन था उसको प्रोफेशन में कन्वर्ट किया और उससे मैंने अर्न करना शुरू कर लिया था ऑलमोस्ट। तो उसके बाद से फिर मैंने कभी पैसे लिए नहीं अपने घर से। अभी तो मैं बोलता हूँ कि भाई मैं ना हमेशा हर चीज़ में लेट हुआ हूँ करने में, बिकॉज अपनी मेहनत से करने में ना आपको कुछ भी काम थोड़ा टाइम लगता ही लगता है, ऑब्वियसली सबको पता होगा। तो इसीलिए हम थोड़ा सा लेट करते हैं चीज़ें लेकिन कर लेते हैं, बिकॉज जिनके पेरेंट्स उनको सब कुछ दे देते हैं पहले ही तो फिर उनको इतना ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतना वेट नहीं करना पड़ता है, लेकिन खुद से करने में ना बहुत मेहनत लगती है भाई, अब टाइम लगता ही है। तो गाइस आपसे बात करते करते मैं पहुंच गया अपनी क्लास के पास, अभी फटाफट क्लास ख़त्म करते हैं और उसके बाद जाना है मुझे स्टूडियो, बिकॉज आज दो शूट भी हैं हमारे, डांस के वीडियो शूट्स करने हैं हमारे स्टूडेंट्स के। तो कल से आपको बढ़िया अप्रेलिया पे राइडिंग देखने को मिलेगी हमारी और बढ़िया रील्स आएंगी हमारी मस्त एकदम। आज जो हमने रील्स बनाई थी डिलीवरी पे उसको एडिट करके आज अपलोड करेंगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना भाई RC_fam02, राज चौहान मेरा नाम है। सो गाइस टाइम हो रहा है अभी 4:30 और फिलहाल मैं निकल गया हूँ अपनी क्लास से, बढ़िया क्लास हुई भाई आज 2 घंटे की। और कोरियोग्राफी बनाने में ना सच में मज़ा आता है, कुछ तो नया करने को मिलता है ना, रेगुलर क्लास में घिसा बेटा साला रोज वही करते रहो बोर हो जाते करते करते। गार्ड मेरे को देख रहा था, कह रहा ये कौन आ गया भाई कैमरा लगा के। मैं क्या सोच रहा था ना अभी के जावा में सबसे पहला मॉडिफिकेशन क्या किया जाए, तो मैंने सोचा कि भाई एक काम करते हैं सबसे पहले इसके एग्जॉस्ट के जो डिब्बी किलर्स है ना वो निकालते हैं, थोड़ी आवाज़ आनी चाहिए ना तो बढ़िया मज़ा आएगा। वहाँ पे देखते हैं लोकल में कौन निकाल पाएगा इसके डिब्बी किलर्स, क्योंकि इसके जो एग्जॉस्ट है ना उसमें वो लगा हुआ है, क्या कहते हैं रिपिट होती है ना, रिपिट बोलते हैं उसको, वो वाला स्क्रू लगा हुआ है तो उसको ना ऐसे नॉर्मली खुल के नहीं निकलता वो, तो देखते हैं यहाँ पे कौन निकालेगा। उसके सबसे पहले डिबी किलर्स निकलवाते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे इसमें करवाएंगे रैपिंग। रैपिंग तो करोल बाग से ही करानी पड़ेगी, डिबी किलर्स यहाँ से निकल जाएंगे आराम से, बिकॉज वहाँ जाके अगर डिबी किलर्स निकालेंगे ना तो भाई इतना लंबा पाइप होता है ना इसको लाने में ही दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहला मॉडिफिकेशन डिबी किलर ही निकलवाए जाए। सो गाइस अभी मैं हूं न्यू हॉस्पिटल, एक्चुअली अचानक से अंकित की मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है तो इसीलिए आए हैं अभी। मैं तो क्लास में था उसका कॉल आया, अभी देखते हैं क्या हुआ। सो गाइस ये है हमारा नेक्स्ट डे, बिकॉज कल कुछ सीरियस हो गई है चीज़ें। तो हुआ क्या कि कल जैसे ही मैं अपनी क्लास से निकला, मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे को अपने स्टूडियो जाना है वीडियो शूट करना है, तो मैं अपने स्टूडियो में ही था तो अचानक से मेरे पास कॉल आता है अक्षय का, और अक्षय ने मेरे को बताया कि अंकित की मदर की तबीयत ख़राब हो गई है कुछ, तो उसने बताया कि फीवर मतलब कि अनकॉन्शियस हो गई है और वॉमिट वगैरह हो रहा है। तो मैंने कहा चल ठीक है मैं आता हूँ, तो फिर वो लोग आंटी को हॉस्पिटल लेके गए और वहाँ पता चला कि उनको ब्रेन हैमरेज हो गया है स्ट्रोक आने की वजह से, तो बहुत ज़्यादा ही सीरियस कंडीशन थी। तो फिर मैं पहुंचा, फिर वहां पे पता चला कि ब्रेन की सर्जरी करानी पड़ेगी। ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना था, टाइम बिल्कुल भी नहीं था, बिकॉज उन्होंने बोला कि अगर अभी डिसीजन नहीं लेते हुए तो फिर कुछ भी हो सकता है, बिकॉज सर्जरी के अलावा दूसरा ऑप्शन कोई भी नहीं है, बिकॉज ब्रेन की वेन्स जो होती हैं वो भी फट चुकी थी और क्लॉट जम चुका था और स्वेलिंग आ चुकी थी, प्रेशर बना रहा था, ब्रेन को जगह नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने बताया उसको डीकम्प्रेस करना पड़ेगा, जिसकी एक सर्जरी होती है उसमें से वो बोन निकाल देते हैं। फिर हम सबने मिलकर डिसीजन लिया कि सर्जरी कराते हैं और फिर जो होगा देखा जाएगा। तो रात को ही फिर सर्जरी हुई और उसके बाद अराउंड 2 आवर्स में सर्जरी कम्प्लीट हो गई, सर्जरी सक्सेसफुल हो गई, लेकिन अभी भी मतलब क्रिटिकल है केस, अभी वो ICU में एडमिट है और हम लोग पूरी रात वहीं पे थे बिकॉज ब्लड वगैरह की जरूरत पड़ी थी, वो भी अरेंज करना था। तो ये सब चीज़ें हुई हैं अभी रात को, तो बहुत ही मतलब मैं अभी भी बोलते टाइम इमोशन हो रहा हूँ, मुझे वो सारी चीज़ें भी याद आ रही थी जो मम्मी के टाइम में हुआ था। मैं समझ सकता हूँ इस टाइम पे अंकित किस सिचुएशन से गुजर रहा है और कैसा फील कर रहा होगा, बिकॉज कुछ टाइम पहले मैं भी ऐसे फील कर रहा था। तो बस कल ऑल ऑफ सडन हुआ ये सब,
और फिर कल पूरी रात वहीं पे थे, अभी सुबह आया, फिर सुबह आके अपनी क्लास वगैरह ली है हमने, और फिर अभी मैं जा रहा हूँ फिर से एक बारी हॉस्पिटल, बिकॉज वो अकेला है वहाँ पे। ही इज़ द ओनली पर्सन जो कि अपनी फैमिली को संभाल रहा है। एक बड़े भैया भी हैं, वो भी मतलब थोड़ा बहुत उनका भी है कॉन्ट्रीब्यूशन, ऐसी बात नहीं है, बट मेन तो यही कर रहा है सब कुछ, तो सब कुछ उसी के ऊपर डिपेंड था। बस प्रे करते हैं आंटी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और घर वापस आ जाए, बिकॉज बहुत ही सब सिचुएशंस देखी नहीं जाती यार, सीरियसली। तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर में, जाता हूँ मैं उसके पास, पता करते हैं क्या सिचुएशन है, कैसी कंडीशन है अभी, अभी जाके पता करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। बाकी सब लोग प्रे करना कि आंटी जल्दी से ठीक हो जाए।